अब हम पहुंचने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है हमें। और ये देखो एडी अपना बम लगा रही है, लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही है, बहुत और हवा बहुत ठंडी है। आपको हवा की आवाज सुनाई दे रही होगी, बाल भी खराब हो गई है मुझे। और ये देखो हमारा इधर ड्राइवर बैठा है, शर्म नहीं आती है? तो हम लोग पहुँच गए हैं होटल। अब हम देखते हैं हम क्या क्या मजे करने वाले हैं। और जो हमारी ब्लॉगर है रिंकी, वो आज आई नहीं है, उसने हमें ये काम दे दिया है। बोलो बारे में कैसे लग रहा है नानू के होटल में आगे इतने साल बाद? मुझे होटल नहीं लग रहा है, होटल लग रहा है। ड्राइवर रह गए, ड्राइवर आपसे मिलने के लिए। ड्राइवर एक्साइटेड नहीं है मिलने के लिए, है ना ड्राइवर? ड्राइवर अभी सामान वो करेगा। कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हवा अभी चलने दे रही है, हवा नहीं चल रही है, ठंडा नहीं है। नहीं अभी जस्ट तुम लोग आए ना, अभी हमारा काम संभाल रही है डेकोरेशन का, देखते हैं अभी कैसा करते हैं। ये और जो कैमरामैन है, डेकोरेशन की ड्यूटी इनकी है, तो देखते हैं कैसा होता है। चलो देखते आगे। 15 minutes later हमारे गांव की रोड है, काफी साल बाद आई, इसी रोड के चक्कर में गांव नहीं आ पाती थी गाइस। एंड पिछले साल ही आई थी जनवरी। अच्छा पिछले साल आई थी मैं जनवरी, और आई नहीं थी। ओह माय गॉड, जब मेरे रिश्ते वाले आए थे। या गाइस, मैं इस बार मेरा थोड़ा जल्दी आना, वापसी हो गई तो यहाँ पे भी है। हाँ साल दो। तो गाइस अभी यहाँ से हम जा रहे हैं सिजला हमारे गांव, क्योंकि हमें वहाँ से चाची को पिक करना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं सिजला कैसा है, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, ब्राइट पैदा हुई है। गांव को देखने के लिए काफी लोग एक्साइटेड, शिखा ने कहा मैं भी जाऊंगी, और ये पीछे शिवानी ने कहा मैं भी जाऊंगी, और गाइस मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं खुद 5 साल के ड्यूरेशन में जाती हूँ। मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, बहुत गंदी रोड है ये, तो खैर शायद जाती रहती है, कभी जाती है 2 साल में 1 साल में, बट मेरा तो 5 साल में आता है चक्कर, जैसे इलेक्शन होता है ना। तो अब देखते हैं गाइस, और आप सोचो मेरा मुंह क्यों ढका है, क्योंकि गाइस मैं ब्राइड हूँ, तो ब्राइड को मुंह कवर करना पड़ता है, छोड़ के इसलिए मैंने कवर किया है। और अभी हम वापस सिजला गाँव निकलेंगे। बोल रही है जिसको हमारे गाँव सिजला सिजला है, ऐसा बात नहीं है, गाँव बड़ा प्यारा दिख रहा है उसमें, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ही दिख रहा है भाई। एक बार का व्यू है हमारे गाँव में, ऐसी बात ही नहीं है, मेरा तो जन्म यहाँ हुआ है, मेरा बस जन्म जन्म यहाँ हुआ। उसके बाद हमसे पंखा जो लेते हैं पत्थर रख के रखते हैं तो आप जैसे कि देख सकते हैं सिजला है, और मैं भी देख सकती हूँ कि सिजला है, रोड में देखो भी देख, यही सिजला है, यही सिजला है, मेरी जन्मभूमि है, और मेरी कहाँ मेरी जन्मभूमि यही है। मेरे जन्म के बाद हम 4 महीने बाद आ गए थे चतरा। तो या सो दिस इज अ ब्यूटीफुल विलेज, और बहुत अच्छा है, बहुत पीस है यहाँ पे, और यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ लोग नहीं, लोग नहीं है। तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग का है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत उधर पुधर हो रही है वीडियो, तो क्या कर सकते हैं। सो ये है सिजला, आ ब्यूटीफुल विलेज, पहाड़ों का विलेज, देख पा रहे हो आप लोग गाइस? नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, दिखा दिए आपको वहाँ पे। मुझे ऐसी जगह फोटो खींचना बहुत पसंद है, हालांकि मैं लग बहुत गंदी रही हूँ। तो यहाँ गाइस हम यहाँ हैं सिजला, तो जैसे कि आपको पता है गांव कैसे होते हैं, छोटे छोटे
और प्यारे प्यारे से, और लोग यहाँ के काफ़ी इनोसेंट होते हैं। एंड दिन के टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है क्योंकि सब लोग खेतों में जाते हैं काम करने, कुछ लोग डंगर चगाने जाते हैं। और गाइस रास्ता देखो, और रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, ऐसे ही होता है पहाड़ों का रास्ता गाइस। ये तो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल किया है हमारे पेरेंट्स ने और हमको लेके आए हैं। और गाइस ये शिखा है, ये शिवानी है, ये शिखा है। हाय शिखा, कुछ कहना चाहते? ये फर्स्ट टाइम है, ये एक्साइटेड थी हमारे गांव के लिए। तो हम अब आगे दिखाते हैं अपना घर। ये गाइस जहाँ पे बैल बकरी को रखते हैं ये वो है, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्यारे प्यारे दो बछड़े हैं, सो क्यूट। एंड ये उनकी मदर होगी शायद, या है ना। और ये सबके बैल बकरी वाले वो हैं, यहाँ पे गोबर भी है गाइस। तो इस टाइप से हमारा गांव है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत प्यारा और शांति। देखो चिड़िया भी अभी चूं चूं करेगी तो हमको सुनाई देगा, और इस टाइम पे सब खेतों में होते हैं। जैसे कि आपको पता है पहाड़ों में थोड़ा ऊंचे पे घर होता है, तो हमारे घर थोड़े ऊंचाई में है, सबसे टॉप पे है। सांस चढ़ रही है भाई। मेरे लिए तो ठीक है, वेट लूज हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा घर, ये हमारा सेकंड घर है, और ये हमारा फर्स्ट घर है। ये दादा का बनाया हुआ घर है, ये पापा लोगों ने जो बनाया हुआ है, सेकंड जनरेशन। आइए शिखा। अरे चाची चाची माए, मैंने क्या बताया, व्यू है भाई, व्यू तो है, व्यू है। सांस भले ही चढ़ गई है लेकिन एकदम। ये हमारे गांव का व्यू है, व्यू बहुत प्यारा है। और पता है उस साइड को ना शिखा जाते हैं, वो चीज़ कवर ही बहुत प्यारा, बहुत प्यारा उस साइड। पेड़ भी है जो आपको दिख रहा है। और हमारे गांव की खास बात यह है कि सिजला की खास बात यह, जो आप हमारे गांव को ट्रेन बोल रही थी दीदी, हमारे गांव को जो ट्रेन बोल रही थी, इसकी खास बात यह है कि यहाँ का पानी बहुत सारे गांव में गया। हमारे गांव पानी के लिए बहुत फेमस है। इनफैक्ट शिखा के इधर के साइड को भी हमारे गांव में गया है। और ये है तलवार, दिस इज आर यू नो कॉमन रूम होता है जो गांव में पहाड़ में, वो है ये। और यहाँ पे देखो फैमिली फ़ोटो भी है। देखो गाइस ये हमारी फैमिली फ़ोटो है, मम्मी पापा मैं सब लोग, ये चाची और की फैमिली है, और ये मेरे सबसे बड़े वाले दादू हैं। तो ये कॉमन रूम है जो यू नो पहाड़ में बिछाते हैं। और ये मेरा छोटा सा वाइफ्स रूम बोलते हैं हम इसको, पर इसके भी इन्होंने धजी उड़ा रखी है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। दैट तो आई नो, यहाँ से भी मैं कभी कभी व्यू ले लेती हूँ। ओ ब्राइट तू भी पीछे हो। हाँ ठीक है, ओके ओके। और ये हमारी छोटी सी मॉडल किचन है, यहाँ पे चाची के रहे हुए बर्तन है जो कि अभी धो रही है जो कि चाची ने अपने काम जो नहीं करे हैं तो अभी करे। और ये और ये गाइस ये बेडरूम है, ये मेरे पेरेंट्स का बेडरूम है। ये तो ये अलग मकान तो ऐसा है जो मतलब ऐसे नीचे भी आपने देखा ही होगा, ये वॉशरूम वगैरह है, ठीक है। लेकिन जो नीचे है वो वुडन कवर है जो पहले के ज़माने में बनाए जाते। तो मैं देखती हूँ अगर वहाँ क्लीन होगा तो मैं वहाँ का होम टूर करवा दूँगी, अदरवाइज़ मुझे उम्मीद थोड़ी कम है क्योंकि हमारे गांव में कोई खास रहते नहीं है तो दादा लोग से इतना क्लीन नहीं होता। ये तो हमारा पहला घर जो सीमेंट वमेंट वाला होता है जो आप लोग नीचे भी देखते हो। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ घर है, ठीक है। तो हम देखते हैं रास्ते दोनों तरफ। नानी नमस्ते, क्या हाल चाल, ठीक ठाक हो, खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? हम तो बढ़िया, बोलो हेलो गाइस। नानी बोलो हेलो गाइस। हाँ ऐसे बोलो हेलो गाइस, बोलो बोलो ना जल्दी, हेलो गाइस बोलो।
बोलो जल्दी बोलो, आप भी बोलो ताई जी, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो? बुआ जी हाथ हिलाओ, ऐसे हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। ये वाइब्स आ गई। तो ये हमारा है नानी, ये हमारा है वुडन वाला घर। नानी हेलो करो, इसमें हाथ हिलाओ। ऊंधे आंधी तो मैं आ रही हूँ, शायद शायद तो जान दी। हेलो करो पहले, हेलो नमस्ते, हेलो करो इसमें, हेलो हाथ हिलाओ ऐसे। हाँ बोलो कैसे हो? अरे फोटो नहीं खींची, वीडियो बना रही, आ जाओ इधर को आ जाओ। और ये हमारा टॉमी है, ये शिखर एक ऊपरी है, नहीं ये छोटी है। हाँ गाइस ये हमारा गांव और ये हमारा चौमी, ताऊजी का घर है ये हमारे। और ये अखरोट का पेड़ है, अखरोट का खाएं है तो उधर साइड को, उधर साइड को। और ये सबके गांव है, ये हमारे गांव का शेफ है। हाँ अब नानी है ये, और ये हमारा चूल्हा है, यहाँ पे बनती है चूल्हे की रोटियाँ। और ये है गांव की चिमनी, दिस इज गांव की चिमनी एंड दिस इज स्मॉल गांव की विंडो। या नानी बोलो हेलो, हेलो कैसे हो आप सब? ठीक है। नाना नमस्ते, हेलो करो, हेलो हम गांव, हेलो बोलो, हेलो हेलो ऐसे करो, हाथ हिलाओ। बढ़िया बढ़िया, ये है हमारा गांव का लकड़ी वाला घर, यहाँ सब लोग एक साथ बैठते थे, मेरी बहुत सारी यादें हैं। हाँ सच में नहीं नहीं नहीं, मेरी याद है कि मैं ना जब भी आती थी यहाँ, मैं नानी के पास होती थी, ये मेरी याद है। और वो वाले नाना थे ना जो बैल चगाते थे, वो यहाँ सोते थे इधर, मैं उनके साथ भी सोती थी। सो या दिस इज आवर गांव का घर। और ये गांव की चिमनी मैंने जैसे कि आपको बताया है, ये तीरा, ये तीरा, और दिस इज तीरा, तीरा इसमें होते गांव के बर्तन। दिखाओ दिखाओ गांव से तीरा। अब तो यहाँ पे स्टील के पहले होते थे, उसके कांसे के, वो अंडरग्राउंड कर रखे हैं। ओह माय गॉड, वो दिखाओ कांसे के बर्तन दिखानी चाहिए ना, मेरी भी तो दिखनी चाहिए। और ये है एक आई डोंट नो से क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, पर इन्होंने फ्रिज यहाँ रखा हुआ है। फ्रिज आप लोगों ने यहाँ क्यों रखा हुआ है? अगेन गांव की विंडो। या और ये गांव के छोटे छोटे से डोर होते हैं। थोड़ा सा पास आओ, डांट देना क्या चमक रहा। अब ये बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस, गाइस यस बोलो हेलो गाइस। रिंकी का ब्लॉग, अरे ना ना यार बोलना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। रिंकी का ब्लॉग, रिंकी का ब्लॉग, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे थम्स भी दिखा दो ये। और ये आप ये बता दो तो, ये क्या है आपके पीछे टोकरा? पतंग की किस में लेके जा रहे हो आप, ये बताइए तो, इसके बारे में डिटेल दीजिए। गिड्डे में, गिड्डे में। और इसका क्या यूज है इसका? जिसमें गोबर ले जाते। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? खेत में। क्यों होता है? खाद। ओके ओके, तो ये खाद के लिए गाइस ये गिड्डो में पतंग लेके जा रही है। ठीक है तो बाय कर दीजिए, टाटा गुड लक। ये हमारे गांव में काम करते हैं लोग। हेलो करो सबके सब, हेलो करो। ये हमारे गांव के लोग हैं और ये काम कर रहे हैं, कुछ खेतों से आए हैं, कुछ खेतों में जा रहे हैं, कुछ खाना खा के काम करे। बाय बाय, अपना है तो हाँ। तो गाइस हमने चाचे को रिसीव कर लिया और बहुत मजा आया, इतना शॉर्ट पीरियड था गांव का, मुझे बहुत याद आ रही है गांव की, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, फिर कभी आऊंगी। रिसीव कर लिया है, आप बोलाए उनके धागे बहुत अच्छा भाई, मैं सब शिखा तो बता, बहुत बढ़िया वाइब्स आई। हाँ भाई जो मेरे गांव का ट्रेन बोल रही थी, मेरे गांव का ट्रेन बोल रही थी पहले बोल रही थी। हाँ चलो ठीक है गाइस, फिर हम मिलते हैं अब होटल हाई हिल पे, बाय। भूल गई होटल हाई हिल्स की शिट, वो डालने तो जरूरी है, मार्केटिंग तो करनी है। तो गाइस ये स्टैंड हम बनाने जा रहे हैं सेल्फी पॉइंट के लिए,
अब इसमें हम पर्दे लाए हैं दिल्ली से, तो देखते हैं क्या होता है। तेरे क्लचर व्लॉग में भी ऐसी आया है। तो ये अभी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो रही है, तो अभी देखते हैं। वर्कर अभी जा रखे हैं रेस्ट करने। हेलो, एंड ये व्यू है। स्टैंड बना रहे हैं जीजू, देखे हमारे डेकोर मैन। और मुझे यहाँ पे इतना पीस मिल रहा है। एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम हैविंग फन। मच लेटर। दीदी ऐसे भी सुनो, ये ठीक है ना? मेहंदी लगाऊंगी मैं, आप कर लो ठीक है? वैसे तो मैं मेहंदी लगाऊंगी। हां ठीक है, ये मैं तो 50 रुपए में लगेगी। नहीं नहीं बना लो, कितनी बनानी है? नहीं नहीं 50 में लगेगी ना मेरी, तो हो गया क्या मेहंदी? दीदी आपने ये क्यों बोला? यही तो सरप्राइज था। क्या है ये काट दूं मैं? हाँ काट दो। ये सीजन तेज है तो आप। अरे मैंने बहुत सारी सिदर्स को झेल रखा है। दुल्हन से पैर करके ज्यादा बात नहीं होती है। अभी देखना पकड़ तो रखा है। ये हमारी पैकिंग, तो रिंकी तो आई नहीं है, वो आती है जब सारा काम निमट जाता है। क्या बोला तूने? फिलहाल हम कर रहे हैं पैकिंग, जो मेहमान आएंगे। ये तो हमारी माओ को मिलेगी, मेरे को तो मेरी दिहाड़ी। शिका तो बास्केट लेके सीधा अपने कमरे में चल जा। पूरी की पूरी मदद करी है। अरे इतनी एनर्जी हमारी लगी से 10 बार लोग दिहाड़ी मांगते हुए ये बैठी है। चार्ज चाहिए दिहाड़ी। क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरी मेहनत का फल चाहिए। मैं जा रही हूँ। ले जा लो, एक कौन सी एक बड़ी वाली रखना हाथ में हमारे लिए, जिसमें दो पिनट है वो कौन सी है? तो गाइज हमारी ये गिफ्ट है जो गेस्ट को, जो हमारे यहाँ गेस्ट आएंगे उनको देंगे टोकन ऑफ लव। तो वो रेडी हो चुके हैं और वो जो गिफ्ट है उनकी पैकिंग, ये हमारी एक लेबर है शिखा, उसने करी है, मम्मी ने करी है, एलू ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें, एंड चाची हो गई। और हाँ भैया हेलो, हेलो करो। और इन सबका क्रेडिट जाता है इसको, ये जो पैकिंग करी है ये गिफ्ट है। सो या, और ये यहाँ पर टेंट लग चुके हैं, अभी डेकोरेशन चल रहा है। हमें बेचैनी हो रही है। देखी तूने हमने क्या करा पिंकी? क्या मजा नहीं आ रहा? अरे तुम ऐसे मिलो ऐसे में ताकि वो बैग हो। तो गाइस यहाँ पे निम्मी और जीजू लगे हुए हैं इसको डेकोर करने में। तो यहाँ पे अभी हमारा प्लान है कि हम यहाँ पे बैठ के भी बॉनफायर करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो ये निम्मी एंड जीजू जो हमारे डेकोर मैनेजर है, काम चो लोग जो कुछ काम नहीं कर रहे यहाँ पे, सिर्फ बॉनफायर के मजे ले रहे हैं। स
सही बात। रिंकी दी मतलब आप जा रहे हो, सॉरी रिंकी दी क्यों निकल मेरे मुंह से? भैया रिंकी दी का रिंकी दी मेरे जाने का काम ना किसी को भी नहीं है, मैंने सबको हड़का हड़का बात तो सही है ये तो यही तो है मैं नहीं गई हूँ, पर ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा लगता है मेरा किसी को दुख नहीं है, ये सबको पता है चलाती रहती है हड़काने के चक्कर में सब खुश कर रहे हैं। चलो तेरा हाथ जलेगा, जरूर जलेगा, जलेगा नहीं तू वहीं वहीं जा, तेरा अब तू बता दीदी के बाद अभी अभी कनेक्शन दे दिया, कल सुबह देंगे कनेक्शन। तू बताओ कैसा लग रहा है रिंकी जी जा रही है? कौन कौन सी कैसी लग रहा है आपको, कैसी फीलिंग है आपकी? अच्छा लग रहा है। अगर पिंकी जी चले जाएगी तो अच्छा लगेगा? पता नहीं, रोएगा ना तुम्हारी शादी, रोएगा नहीं ये 1.5 साल पहले अली से पूछा था, पक्के आंसू बहाते गए थे, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। जब से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया तो सोच रही हूँ कि जल्दी से जाए। ऑनलाइन है वो तो ऑनलाइन है। क्या आप बताओ, क्या आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। देखो बोल कौन रहा है, कौन बोल रहे हैं? तो आप रिंकी मासी की शादी में भी रोओगे क्या? शादी हो चुकी है, सॉरी रिंकी दी की शादी हो चुकी है, सॉरी पिंकी दी। अरे कहना क्या चाहते हो? बच्चे बगल में शादी करवा दी। मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं ये ब्लॉग, बोलेंगे कैसे दुल्हन हो। तो गाइस आज मेरे बारे में दो शब्द बोलेगा, ये बिल्कुल नहीं बोलता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ ब्लॉग में कुछ बोले आपकी दीदी जिन्होंने आपको छोटे से ट्यूशन पढ़ाई है और ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के मारा है, तो उसके लिए दो शब्द बताइए। दीदी का ठिकाना नहीं, बताइए कैसा लग रहा है? कुछ तेरे जाने की अच्छा लग रहा है, मैं जा रही हूँ घर से शादी करके, ये अच्छा लग रहा है या मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों एक ही तो बोलो तूने। नहीं नहीं शादी करके मतलब कि शादी हो रही है वो मेरे लिए अच्छा पार्ट है, और मैं घर से जाऊंगी वो इनके लिए अच्छा पार्ट है ना, मेरे को मानने वाला कोई नहीं है। तो बताइए दोनों लड़का ये होता है, इनको बचपन से पाला है हमने। और बताइए कुछ होता है मेरे बारे में, बेस्ट क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी बता दे। सोच रहा है अभी तक कद्दू फटफट बताएगा मेरे बेस्ट क्वालिटी। चलो बताने दो, बताइए बताना, अरे बता दे भाई, रेडी है तो बेस्ट क्वालिटी बता दे। अब तो बता, नहीं यही बोलेगा, गुंगा ही बोलेगा जीजू। चल बोल गुंगे, सबसे अच्छा क्या लगता है मेरे बारे में? मेरे लिप्स क्रैक हो रहे हैं, आप मार दो। सबसे अच्छा बता जल्दी, जब टीशर्ट की छुट्टी देते हो तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। बताओ गूंगा तो बोली छुट्टी छुट्टी ये मेरे बारे में अच्छा कुछ अच्छा बोल यार भाई। नहीं कैसा है, गजब बेइज्जती है। मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी सही टाइम पे शादी हुई है, इसकी भी टाइम पे होगी, हमने बहुत एंजॉय किया। अब अच्छा कोई दुख नहीं है, मुझे दुख तब होता अगर इसके बचपन में शादी होती, ठीक टाइम पे जा रही है, जाना भी चाहिए। पिंकी का दुख था उसके बचपन में हुई थी, उस समय मैं होश में नहीं थी, मैं बच्ची थी, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। उसकी 23 साल की उम्र में हुई थी तो उसका दुख है? नहीं दुख नहीं है, ठीक है, वैसे काम भी नहीं करना था उसे, ठीक है घर से चले गए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो चले गए, और बात तक परेशान करती है ना वही, वो तो अभी तक कर सारा काम नहीं ठीक है उसकी, बात क्या बात है, भगवान ने नहीं कहा था ये बोला कि ऐसा मत बोलो यार दीदी के लिए, नहीं ऐसा मत बोलो रिंकी दी के लिए यार, मेरे बारे में दिल में दर्द होता है यार, मत बोलो ऐसे, हमारी मेन ब्लॉगर है वो। चाची चाचू काम पास है वो तो कुछ नहीं था, गांव में भी तेरे को ही बोला था, बढ़ाया नहीं था मैंने, बढ़ाया था मैंने,
चलो जीजू ऐसा लग रहा है इसकी शादी पापा और पिंकी करा रहे हैं ना। अब देखना 19 तारीख के बाद इसकी शादी तैयारी शुरू हो गई। पिंकी का शादी का माहौल देख के शादी वाली अक्टूबर का काम मिल गया था। कौन सा वाला मंजू की शादी? मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को पैसे नहीं। मंजू शादी क्या काम है? मम्मी यार ये अपनी शादी आपको हल्दी के बैक करने पड़ेंगे। एक दिन पापा कहते कि मेरे को ना शादी व्यादी बहुत अच्छी लगती है, मेरे को बहुत मजा आता है शादी करवाने में। हमारे पापा सुनो सुनो मंजू दी, रुको मंजू दी बता रही है, मंजू दी बता रही है, बताइए पिंकी के बारे में, पिंकी दी के बारे में कैसा लगे ना नीचे। मंजू का था अच्छा लगे, इसके बाद मेरी बारी लोग मुझ पे फोकस करेंगे। मतलब अच्छा लग रहा है रिंकी दी, मतलब आप जा रहे हो। सॉरी रिंकी दी क्यों निकला मेरे मुंह से? भैया रिंकी दी का बोलिए, रिंकी दी मेरे जाने का काम ना किसी को भी नहीं है, मैंने सबको हड़का हड़का बात तो सही है। जा रही है तू, यही तो है। पर ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा लिखते, मेरा किसी को दुख नहीं है कि सबको पता है चलाती रहती है, हड़काने के चक्कर में सब खुश कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी सिस्टर का बनाया हुआ व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इन्होंने काफी मेहनत करी क्योंकि मैं वहां नहीं थी, तो मुझे यही था कि ये काफ़ी लोग मस्ती करेंगे तो मेरा व्लॉग रह जाएगा, तो इन्होंने कहा था हम कर देंगे। और इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया, इवन मुझसे भी अच्छा बनाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका व्लॉग। तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हम आपको मिलेंगे मेहंदी में। बाय।